अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आज बारिश हुई है शदीद तेज बारिश, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो चंद दिनों से जो बारिशें हो रही हैं उसके मुतालिक है। इस वीडियो में आप देखेंगे आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिशों के नुकसानात। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आज बारिश हुई है शदीद तरीन बारिश हुई है, इस शदीद तरीन बारिश की वजह से जो पानी आया है हमारे नाले में, इतनी शदीद पानी आया है कि ये जो हमारा पुल है डलोड का, इसके ऊपर से ही पानी जा रहा है। आप ये मनाजिर लाइव देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश रखे। नाज़िर हैं लोग, ये हमारे कुछ दुकानदार भाई खड़े हैं। इमरान शाह साहब आए हैं, ये इमरान शाह साहब आए, इनसे हम पूछते हैं कि ये जो बारिश है इसको आपने कैसा पाया है? इमरान शाह साहब, ये लाइव आप जा रहे हैं। बहुत अच्छा पाया है, गर्मी दूर हो गई है, मज़ा आ रहा है, बिजली भी है, सही है, कर रहे हैं। ये नाला जो देखा है बड़े साल तक जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 साल के बाद इतना पानी आया है। तकरीबन 5-6 साल के बाद इतनी बारिश हुई है कि ये पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। तो इस बार शदीद गर्मी हुई है और अभी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से हर बुझा हुआ चेहरा वो खिलखिला उठा है। शाह साहब, ये लकड़ियाँ ना पकड़ा करें। ये लकड़ियाँ ने दो पराठे दे। नहीं, आपको पता है भी अल्हम्दुलिल्लाह गैस का जो सिलेंडर है वो काफ़ी सस्ता है, लकड़ियाँ काफ़ी महंगी है। और एक बात ये भी है कि ये जो जंगलात हैं, ये जो दरख्त हैं, ये हमारे कुदरत का हसीन नज़ारा है।
अभी ये जो पानी की आमद का सिलसिला है वो कम होने की बजाय अभी इसमें इजाफा हो रहा है। ये पुल के पार आपको छोटे छोटे बच्चे खड़े नजर आएंगे, ये भी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जंगलात गिने थे और इसमें
जब इस किस्म का बारिशें होती थी और पानी में काफ़ी सारी लकड़ी बह के आती थी, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जंगलात की कटाई की वजह से अब हमारे जो जंगलात हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं और अब जो बारिशें होती हैं इनमें जो लकड़ी बहुत कम आती है। साहब ये जो हमारा इस वक्त नाला है ये एक खौफनाक मंजर भी पेश कर रहा है। सामीन इस नाले में हर साल तकरीबन बदकिस्मती के साथ हर साल तकरीबन एक या दो लोग या तीन लोग इसमें इस पानी में बहकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इस साल अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि अभी तक ऐसा कोई हादसा रोनमा नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अब लोगों के अंदर शऊर भी आ गया है कि अब वो लोग पहले इस पानी में लोग नहाते थे, इंजॉय करते थे, कुछ लोग लकड़ियाँ पकड़ते थे और इस वजह से ऐसे हादसा रोनमा होते थे, या कुछ लोग बारिश के अंदर आगे पीछे कहीं जब दूर रात जाते थे। तो हमारा ये इलाका पहाड़ी इलाका है, इसमें बारिश का पानी बहुत जल्द आ जाता है नाले में और अंदाज़ा नहीं होता लोगों को, इस वजह से भी काफ़ी जाने नुकसान हुआ है। वो जो एक भाई आए थे मोटरसाइकिल वाले जो पुल के पार खड़े थे, वो ये लकड़ी जा रही है, वो एक वो पुल के ऊपर से ये गई है लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे हमारी पंजाबी जुबान में we'll be right back.
अंसारी साहब, आप इस वक्त लाइव है, तो आप क्या बारिश आपने इंजॉय किया या क्या क्या कहेंगे इस बारिश के बारे में? इंजॉय कर रहे हैं, तो अभी आप साइड पे हो, मैं स्कूल के पास जाना चाहता हूँ। जी जी, पार जाना चाहते हैं आप? तो इस वक्त बारिश है, पुल के ऊपर पानी है। अच्छा, कोटली सदियों वाले शाह साहब की तरह आप भी भूख लगाते चुप वाला है सिस्टम आपके पास? नहीं तो आप लाइव है, लोगों को बताएं जरा कैसे चुप लगाते हैं। जी अच्छा अच्छा, आप नहीं बताएंगे। एक मिनट में आपको बनाकर दिखाता हूँ। पानी की पानी में इजाफा हो रहा है, वहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे हमारी वहाँ बसे थे इनके, पानी वहाँ तक पहुँच गया है और वो वहाँ से पत्थर उनको वहाँ से उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो पत्थर नहीं उठाएंगे तो फिर वो पानी में बह जाएंगे। पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।